नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि की रसोई में आपका स्वागत है। मैं हूँ रश्मि, रश्मि कह लीजिए, गीतांजलि कह लीजिए, दोनों नाम दोस्तों मेरा ही है। रश्मि नाम है घर का, गीतांजलि नाम है कॉलेज का सर्टिफिकेट नेम्स। इसलिए आप लोग बार बार पूछते हैं गीतांजलि किसका नाम है, तो मैं आज बता रही हूँ गीतांजलि मेरा ही नाम है। तो आज मैं आपके लिए ये पोरों का साग का रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों, तो देख लीजिए। पोरों को साग पेड़ से तोड़ के अच्छे से झाड़ उड़ के और धो लिए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसको धोने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, अच्छा से झाड़ना भी पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे वाले साइड में ना छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं जो कि आपको दिखेंगे नहीं। जब हाथ पे रख के झाड़िएगा ना दोस्तों, तब पता चलेगा किस में कीड़े लगे होते हैं। इसलिए इसको झाड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है दोस्तों। और 5 से 6 पानी दोस्तों चेंज कर कर के इसे धो लेना है। इधर देखिए, साग को तड़का लगाने के लिए हम काट भी लिए हैं सामग्री को। तो ये हमारा लहसुन पूरा 2 पोट है दोस्तों, और ये है मिर्ची, 6 से 7 मिर्ची को बारीकी कट कर लिए हैं। लहसुन और मिर्ची डालने में दोस्तों साग में कंजूसी ना कीजिएगा, नहीं तो टेस्टी नहीं बनेगा दोस्तों। तो देखिए, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो तेल हमारा हो गया था, तेल हमारा गर्म हो रहा था। तो देखिए, इसमें पहले मैं लहसुन ऐड करूंगी दोस्तों। पोरों के साग, पोरों का साग कह लीजिए, पोई का साग कह लीजिए, दोनों बराबर ही होता है, एक ही होता है। तो इसमें प्याज नहीं पड़ता, प्याज डालिएगा तो अजीब जैसा टेस्ट आने लगेगा। हमारे यहाँ दोस्तों ऐसा ही बनता है बिहार में। तो चलिए, इसमें मैं लहसुन, आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो गया, तो अब इसमें मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन जब हमारा लाल हो जाएगा, मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब इसमें मैं मिर्ची डाल दूंगी, क्योंकि मिर्ची, हरी मिर्च का बीज भी उड़ता है दोस्तों, इसलिए साइड हो जाऊंगी मैं। तो आप देख सकते हैं कि लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें मिर्ची डाल देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, तड़का हमारा साग का तड़का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और साग में दोस्तों ज़्यादा तेल का आवश्यकता नहीं होता है, कभी कभी मन करता है ना कि कम तेल, बिना मसाला का सब्जी खाने का। तो इस तरह से बनाइए और खाइए, कमेंट करके हमें बताइए जो कैसा लगा। और दोस्तों प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बैड कमेंट आने लगा है, बैड कमेंट का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तड़का सा तड़का का ये साग का तड़का हो गया है गोल्डन ब्राउन। इसमें मैं साग ऐड करूंगी अब आराम आराम से। दोस्तों तो देखिए, साग में से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें मैं आधा चम्मच से भी कम नमक ऐड कर देती हूँ, क्योंकि साग गल के हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं दीजिए। इसे मैं अब ढक देती हूँ, गैस का फ्लेम रहेगा मीडियम। तो देखिए दोस्तों, साग हमारा पूरा बन के तैयार हो गया है। इसमें से पानी तो दोस्तों बहुत निकलता है, लेकिन हम इसको पानी को सुखा दिए हैं इस तरह से, थोड़ा थोड़ा अपने छोलनी से दबा दबा के करने से ना साग पूरा परफेक्ट मिल जाता है। तो चलिए इसे अब सजाते हैं हम। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं साग हमारा बन के तैयार हो गया है। डोंट वरी, आप लोग घबराइएगा नहीं, इतना सारा मिर्ची खाना नहीं, सिर्फ हम सजाए हैं, तो बीच में डाल दिए हैं अचार। तो कैसा लग रहा है साग दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। प्लीज़ 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 दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमें भी दीजिए। मैं रश्मि लेती हूँ विदा, बाय।